स्नो बॉल डाल दिया, नो बॉल पे ऋषभ पंत ने मार दिया छक्का। ऋषभ पंत क्यों बोल रहे हो आप, इनका एक बार मुंह देखिए दोस्तों। एंड पहले ही बॉल गगन चुमी आउट। ओ भाई एंड पड़ा भाई को छक्का। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों और मैं उठ चुका हूँ, रोहन भी उठ चुका हूँ। और आज जो हमारा प्लान बना है कि हम डायरेक्टली ऑफिस में नहीं जाऊंगा, तो मैंने डिसाइड किया कि यार आज फ्राइडे भी है और मेरे जो दोस्त है रोहन के भी कुछ फ्रेंड्स हैं उनका छुट्टी भी है। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम टर्फ जाएंगे सुबह सुबह क्रिकेट खेलने के लिए, ताकि थोड़ा सा बॉडी में एक्सरसाइज हो सके और थोड़ा बॉडी हीट भी हो सके। तो देखो यार अभी बिस्तर तो पूरा गंदा पड़ा पड़ा हुआ है, मतलब इसको अभी समेटना है। इसको समेटते हैं एंड उसके बाद सीधा निकलते हैं टर्फ की तरफ एंड उसमें थोड़ा सा एक घंटा क्रिकेट एंजॉय करेंगे एंड उसके बाद घर पे आएंगे, नहाएंगे धोएंगे एंड फिर ऑफिस निकलेंगे। तो आप लोग व्लॉग में बने रहे। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से टर्फ जाने के लिए एंड ये है मेरी सोसाइटी। फिर जैसे ही बाहर आते ना तो बहुत ही प्यारा सा नजारा दिखता है, क्योंकि यार सन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर एंड ये है हमारे टर्फ वाले अंकल जो यहाँ का केयर टेकर है। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं ना, तो चलो यार दोस्त लोग फोन कर रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी आ जा, मैच शुरू कर रहा है। तो यार जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं ना, तो ये लोग मैच शुरू कर दिए होते हैं यार, तो हम लोग को एक मैच बाहर बैठना पड़ता है। तो सोचा कि चलो यार एक मैच बाहर बैठना ही है, तो थोड़ा बाहर ही बैठ के थोड़ा टाइम पास कर लेते एंड यार उसके बाद हम लोग अंदर आते हैं। तो फिर वापस मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि यार वो लोग का मैच शुरू था एंड मुझे मिलता है एक दोस्त जिसको मैं करता हूँ बाय बाय, क्योंकि यार ये भूखा था आई थिंक। उसके बाद मैंने इसको कुछ खिलाया, फिर मैं इनको बाय बाय करता हूँ। फिर अंदर आते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे यार भाई टीम मांग रहा होता है भाई एंड वो जो मेरा दोस्त है पंकज, वो दोनों का मैच शुरू हो जाता है एंड भाई नॉन स्ट्राइक पे एंड यार हमारे ऋषभ पंत भाई स्ट्राइक पे उतर जाते हैं एंड ऋषभ पंत पहले बॉल पर ही सिक्स मार देते हैं। यार ये ऋषभ पंत, मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये ऋषभ पंत के जैसा दिखते हैं। आप भी ध्यान से देखोगे ना इनका फेस तो आप भी यही बोलोगे। तो सेकेंड बॉल जो आया वो हमारा नो बॉल आया, तो नो बॉल पे भाई ने कुछ नहीं रन निकाल पाए, क्योंकि यार हमारा रूल ये है कि स्टंप के आगे बॉल जाएगा ना तभी हम लोग एक रन निकाल सकते हैं। एंड तीसरे बॉल पे ना भाई वापस नो बॉल डाल दिया, नो बॉल पे ऋषभ पंत ने मार दिया छक्का। ऋषभ पंत क्यों बोल रहे हो आप, इनका एक बार मुंह देखिए दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट ना 90% ये भाई ऋषभ पंत जैसे लगते हैं, पर यार ये राइट ही है। फिर यार यहाँ पे भाई की बैटिंग आती है एंड पहले बॉल पे भाई मार देते हैं फोर। तो पहले बॉल पे उनको मिल चुका है चौका एंड सेकंड बॉल जो मिलता है उनको वाइड मिलता है। फिर थर्ड बॉल यहाँ पे आता है, बट यार वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो यहाँ पे वो सिंगल रोटेट कर लेते हैं। तो फिर यार दो चार बॉल खेलने के बाद वो वापस स्ट्राइक पे आते, बट यार फिर से सिंगल। लग रहा है आज भाई का फॉर्म है नहीं एंड यहाँ पे रन आउट होते होते बच गए भाई। फिर यार वापस उनको नेक्स्ट बॉल मिलता है एंड यहाँ पे वो मारने जाते हैं एंड कैच आउट होने से बच जाते, क्योंकि यार हमारे फील्डर थे ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील्डर थे। एक इनिंग हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी सेकंड इनिंग चल रही है जिसमें हम लोग को 32 का टारगेट है। चलो देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। बैट्समैन स्ट्राइक पे प्रतीक भाई और ये पहला बॉल ही डॉट होते हुए, और बॉलर राज है उधर, आप नॉन स्ट्राइक पे देख सकते हो। ये है रोहन और ये गुड शॉट और ये लगा चौका, नाइस शॉट प्रतीक भाई। राज ये कवर करते हुए और ये यहाँ पे प्रतीक भाई और ये एक रन सिंगल और यहाँ पे रोहन स्ट्राइक पे आ गया है। चलो पहले बॉल पे छक्का और देखते हैं, ये बॉल मारा है और ये पकड़ ले और ये चार रन रोहन का, शानदार रन अप करते हुए और ये रोहन यहाँ पे बैटिंग में और ये यहाँ पे शॉट मारा है चौका, एक और शानदार चार रन और यहाँ पे पंकज वापस से बॉलिंग के लिए तैयार और यहाँ पे ये रोहन और ये शॉट मारा है लेकिन ये सीधा स्ट्रेट फील्डर के हाथ में और ये आउट। तो गाइस मैं आउट हो चुका हूँ एंड भाई अभी बैटिंग के लिए आया एंड पहले ही बॉल गगन चुमी आउट। तो दोस्तों हमारे पास आए अजंता मेंडी से ने, हमारे भाई कहाँ से बैटिंग कर रहे हैं, इनको थोड़ा भर दिया है, मतलब इन्होंने पहले बॉल में विकेट लिया अपने एक्शन के बदौले। चलो यार इनका थर्ड बॉल देखते, बहुत ही खतरनाक इनका एक्शन है आप जैसे देख सकते हो। यार हमारे बॉलर डर, बैट्समैन डर चुके हैं यहाँ पे, कहाँ से वो बैटिंग कर रहे आप देखो एक बार। ओ भाई एंड पड़ा भाई को छक्का, भर दिया हमारे ऋषभ पंत भाई यार। वहां पे कप्तान गुस्सा करते हुए। तो दोस्तों यार एक घंटा खेल के हो गया है अभी ना, बस ये लास्ट मैच है, भाई बैटिंग कर रहा है एंड यार ये लास्ट मैच खेल के लिए निकलेंगे घर के लिए एंड उसके बाद सीधा निकलेंगे ऑफिस के लिए, क्योंकि यार 8:30 बज चुका है एंड यार ऑफिस का टाइम हो चुका है। तो फटाफट खेलते ये मैच एंड निकलते घर के लिए। तो चार बॉल 27 रन हो चुका है यहाँ पे, नेक्स्ट बॉल एंड यहाँ पे ये शॉट लगा, लास्ट बॉल जो हमारा है ये नो बॉल मिला हमको। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मैच खत्म हो चुका है एंड जितने भी प्लेयर्स थे ना सब बाहर जा रहे, यहाँ पे हमारे सब प्लेयर्स, आज ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे यार, खाली 10-11 प्लेयर थे। चलो यार यहाँ पे सबसे पहले पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन करते फिर निकलते हैं डीमार्ट के लिए। तो दोस्तों ये है वो प्लेस जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, यहाँ पे दो खेलने के लिए पिच बनाया गया है, टर्फ बनाया गया है एंड यार ये एक कैफे है एंड यार ये यहाँ के केयर टेकर अंकल जिसको हम लोग पेमेंट करते
एंड सामने ही भाई एंड जितने भी मेरे प्लेयर थे ना सब अभी पेमेंट कर रहे हैं एंड यहाँ पे सुबह सुबह मस्त पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। फूल भी यार क्या बोलते हैं, फूल तोड़ ले। तो दोस्तों अभी तो हमारा खेल के हो चुका है एंड यहाँ पे फटाफट बाइक उठाएंगे एंड बाइक उठाने के बाद ना सबसे पहले यार मम्मी का फोन आ चुका है तो यार डी मार्ट जाना पड़ेगा क्योंकि यार डी मार्ट से थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है तो फटाफट चलते हैं यहाँ से एंड सीधा डी मार्ट में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग बाहर निकल रहे थे ना तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फूल मिल जाते तो यार हम लोग सोचते हैं कि चलो यार फूल तोड़ लेते हैं मम्मी को देंगे मम्मी खुश हो जाएगी। तो यार भाई यहाँ पे बहुत सारे फूल तोड़ रहे हैं एंड ये कौन सा फूल है यार आप कमेंट में जरूर बताना एंड देखो मैं इसको रखा रहा हूँ मेरे बैग के अंदर। फिर अभी हम लोग फाइनली डी मार्ट पहुंच चुके हैं, डी मार्ट जाके हम लोग को 2 से 4 सामान लेना है तो फटाफट चलते हैं यार डी मार्ट एंड डी मार्ट जाके सामान उठाते हैं। तो हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं ट्रॉली लेके एंड सबसे पहले हमारा जो फेवरेट सेक्शन होता है वो है बिस्किट्स तो फटाफट बिस्किट उठाते एंड भाई देख रहा था कि और क्या क्या सामान लेना है तो फिर भाई ने लिया एक च्यवनप्राश जो था पतंजलि का। तो आप बताना यार कमेंट में कि पतंजलि अच्छा होता है कि नहीं होता है। फिर यार हम लोग यहाँ पे गेम सेक्शन में आए एंड टाइम पास किए एंड निकल चुके हैं घर के लिए। तो दोस्तों अभी डी मार्ट से आने के बाद फटाफट नहा धो के रेडी हो चुका हूँ एंड निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए एंड यहाँ पे भाई भी रेडी हो चुका है तो आज दोनों साथ में जा रहे हैं क्योंकि यार लेट हो चुका था इसके वजह से। तो चलो फटाफट चलते हैं ऑफिस में एंड ऑफिस में जाके आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली अभी ऑफिस पहुंच चुके हैं एंड ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने सेटअप पे बैठ चुका हूँ, मीन्स यार मैं अपना फटाफट काम निपटाने बैठ गया हूँ एंड भाई आगे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो चलो यार फटाफट काम खत्म करते हैं उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं काम कर रहा था ना तो थोड़ी देर पहले मेरा एक दोस्त आता है जो है यहाँ पे अमन शुक्ला करके एंड दोस्तों इसने अभी ना मैकबुक परचेस किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दोस्तों ये है उसका मैकबुक गोल्ड कलर का है अभी आप बताओ यार कमेंट में कैसा है। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा सेम मैकबुक हमारे पास भी है, मीन्स यार जो हमारे एडिटर भाई है उनके पास भी सेम मैकबुक है तो यार हमारे पास ना दो मैकबुक हो गया सेम कलर के एंड यार अभी जो उसका कंपैरिजन करेंगे ना वो बेहतरीन करेंगे एंड यार इसका वीडियो ज़रूर आएगा मेरे चैनल पे। तो दोस्तों काम करते करते बन चुके हैं शाम के 6:30 एंड यार अभी हो गया है घर जाने का टाइम, तब तक यार भाई यहाँ पे बैठे थोड़ा मूवी देख रहा है तो चलो यार थोड़ी देर बाद घर के लिए निकलेंगे एंड सीधा घर पे जाके मिलेंगे। तो यहाँ पे मम्मी का फोन आता है तो मम्मी बोलती है बेटा पनीर लेके आ जाना तो यहाँ पे मेरा भाई जा रहा है पनीर लेने के लिए तो यार पनीर आ चुका है एंड घर पे जाके इसका पनीर का भुर्जी बनाएंगे एंड वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं घर पे पहुँच चुका हूँ एंड यार हमारी पनीर की भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। पनीर की भुर्जी मैं ही बनाता हूँ क्योंकि यार ये मुझे बहुत अच्छे से बनाने आता है एंड मम्मी का भी थोड़ा हेल्प हो जाता है डैड्स वाई मैं यहाँ पे बना के रेडी कर लिया हूँ एंड यार चलो इसको खाएंगे एंड उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है डन एंड अभी मैं बैठ के मैच देख रहा हूँ जिसका मैच चालू है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, आपको छोटा सा भी क्लिक पसंद आया ना तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करना है एंड आपको कमेंट में बताना है कि आपको ब्लॉग्स में और क्या क्या चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।